मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी में 24.70 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहरी में 1.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 13.73 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले करांगल किंदर सड़क मार्ग की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र के 6 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने 7.94 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ITI भवन निहरी का शिलान्यास किया। इस संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, टनर, प्लम्बर, फैशन डिजाइन एवं तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के ट्रेड आरंभ होंगे। उन्होंने निहरी में ही वन विश्राम गृह और मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिलाएं भी रखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडे, सांसद रामस्वरूप शर्मा और विधायक राकेश जामवाल मौजूद रहे। 1.15 करोड़ की लागत से आज हमने एक उद्घाटन का साइंस लैब का उद्घाटन का किया कार्यक्रम, और उसी तरह से लगभग 23 करोड़ 55 लाख की लागत से आपके बाकी जो है उद्घाटन के बाद जो शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हुए, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में उन विधानसभा क्षेत्रों में से है जहां बहुत तेजी से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है, और विकास की गति बढ़ने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि आपका नेतृत्व तो प्रभावी है कि नहीं, आपका नेतृत्व तो जुझारू है कि नहीं, आपका नेतृत्व तो उस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ता है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान में आप लोगों ने राकेश जम्वाल को इस तरह का जिम्मेवारी अपने चुने हुए प्रतिनिधि का जो दिया है, उनके नेतृत्व में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां विकास की गति सर्वाधिक है। और इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह भी हम विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही लगभग जो है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, और इसके लिए मैं सुंदरनगर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।